पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल फैंस को बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के बकिया मैचेस नवंबर में कराने का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया गया। क्या लाहौर कैलेंडर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी बकिया मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं, इस हवाले से कैलेंडर्स के कैंप से भी बड़ा फैसला सामने आ गया। मुकम्मल अपडेट्स जानने के लिए इस रिपोर्ट को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी फेवरेट पीएसएल टीम का नाम ज़रूर लिखिएगा। तफसीलात के मुताबिक पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ पीएसएल 5 के बकिया मैचेस का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम बकिया मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में कराने का फैसला सामने आया है। शेड्यूल के मुताबिक 14 नवंबर को क्वालिफायर यानी मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा कराची किंग्स से होगा, जबकि 14 नवंबर ही को दूसरे मुकाबले में एलिमिनेटर 1 यानी लाहौर कैलेंडर्स और पिशावर जलमीज के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि 15 नवंबर को एलिमिनेटर 2 यानी मुल्तान सुल्तान्स या कराची किंग्स में से हारने वाली टीम कैलेंडर्स या जलमीज में से जीतने वाली टीम का मुकाबला करेगी, जबकि 17 नवंबर 2020 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जबकि अगर बात करें लाहौर कैलेंडर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की, तो कैलेंडर्स के मालिक समीन राणा ने वाजे तौर पर बता दिया है कि लाहौर कैलेंडर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी बकिया मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएंगे।